आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना मदौला पुलिस ने चोरों का गैंग गिरफ्तार किया है। चोरों का गैंग दिन में रैकी करता था, रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। इस गैंग के कब्जे से लाखों रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है, साथ में नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। बताया गया कि गैंग में एक ज्वेलर भी शामिल था जो चोरों से उनके द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी खरीदता था। थाना एतमादौला पुलिस ने चोरों का गैंग गिरफ्तार किया है। चोरों का यह गैंग जहां थाना एतमादौला क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था, वहीं थाना खंदौली, थाना सदर सहित तमाम इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 चोर हैं जो चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। एक रवि वर्मा नाम का ज्वेलर्स भी है जो चोरी के माल को खरीदा करता था। ऐसा बताया गया है कि यह गैंग दिन में रैकी किया करता था और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। इसके अलावा इस गैंग के लोग फैक्ट्री दुकानों पर काम भी किया करते थे, छुट्टी मिलने पर चोरी के लिए निकल जाते थे। आज लगभग 6 लोगों का गैंग पकड़ने में ASP छत्ता और थाना अध्यक्ष और बाकी टीमों को सफलता मिली है। इनमें से 5 जो लड़के हैं उन्होंने कई जगह पे एतमादौला क्षेत्र में, खंदौली क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का रहता है कि दिन भर में ये लोग रेकी करते हैं, कौन सा घर बंद है क्या है। इनमें से 1 या 2 लड़के जाके रेकी करते बाइक पे, रात के टाइम पे 1 बजे के बाद निकल के ये लोग चोरी करते हैं और 1 या 2 लड़कों को बाहर ही रखते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला हो तो इन्फॉर्मेशन अंदर देता रहे। इनके कुछ कॉल साइंस भी है जिसके थ्रू ये लोग बात करते हैं। इस गैंग को CCTV फुटेज के आधार पर पकड़ा गया है। ऐसा बताया गया है, एक पीड़ित ने CCTV फुटेज के आधार पर इन लोगों को पहचान लिया था, उसी आधार पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने चोरों को दबोच लिया। इस गैंग के कब्जे से लाखों रुपए की ज्वेलरी, नकदी और एक LED बरामद की गई है। इन्होंने जो घटनाएं जो कार्य की हैं, आज 5 घटनाओं का अनावरण थाना एतमादौला क्षेत्र के थाना एतमादौला से किया जा रहा है। इसमें से आपके सामने माल जो है वो रखा गया, कई सारे सोने चांदी के जो इसमें आभूषण है, मंगलसूत्र है, अंगूठियां है, कंगन है, कुछ पैसे उसमें बरामद हुए, TV है। तो इनमें ये जो सोने चांदी के आभूषण जो है वो रवि वर्मा नाम के एक सोने चांदी के व्यापारी को, एक दुकानदार को ये लोग लगातार बेचते थे। ये लोग उसको गिरवी भी रखवा लेता था, यह व्यक्ति उसको खरीदता भी था। तो इसको भी जो है ये छठा मुलजिम इसको आज बनाया गया है। तो कुल मिला के 6 मुलजिम आज आपके सामने जो है पेश किया जा रहा है। ये गैंग बेहद सातर गैंग है। इस गैंग ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, वहीं जनता में दहशत पैदा कर रखी थी। गनीमत यह रही कि पीड़ित ने CCTV कैमरे के माध्यम से इन सातरों को पहचान लिया, अन्यथा ये गैंग ना जाने कितने घरों के ताले छटका देता। चोरों के इस गैंग को पकड़ने में CCTV कैमरे की अहम भूमिका रही। जिस समय चोर क्षेत्र में घूम रहे थे उसी दौरान एक पीड़ित ने पहचान लिया, तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने दबोच लिया और जांच पड़ताल की तो पता चला ये बेहद सातिर चोरों का गैंग है। ये गैंग अब तक तमाम सारी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। दिन में रैकी किया करता था, रात में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। खाली समय में दुकानों फैक्ट्रियों में काम भी ये गैंग किया करता था। ऐसा माना जा रहा है कि इस गैंग के पकड़ में आने के बाद चोरी की वारदातों में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी ये वक्त बताएगा। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।